Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my... Hello friends, welcome to my channel Foods Fun. तो आज हम बनाने वाले हैं पनीर दो प्याजा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया था 100 ग्राम पनीर। ये थोड़ा सा वीडियो मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया है तो मैं आपको बता दूँ, पनीर में मैंने इसमें डाला था कोरिएंडर पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। तो इसके आगे हम देखते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च, देन थोड़ा सा गरम मसाला, हाथ में क्रश करी हुई कसूरी मेथी, और 2 चम्मच दही। ये दही काफ़ी थिक है तो इसमें आप 2 चम्मच या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप दही डाल सकते हैं। ये हम अब इसे मैरिनेट कर देंगे। तो सारे जितने भी इंग्रेडिएंट है उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पनीर के साथ। पनीर जो है, एक एक पनीर का क्यूब आपका कोटेड हो जाना चाहिए, इतने अच्छे से आपको मिक्स करना है इसे। और इसे आप होल्ड करके रख दीजिए 10 मिनट तक। यहाँ मैंने लिया है फाइन चॉप टोमेटोज, ऑनियन, ग्रेटेड गार्लिक एंड जिंजर, और यहाँ पे डाइस की हुई प्याज ली हुई है। देखिए आप, ऐसे कर लिया है। अब चलिए, एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, उसे अच्छे से आप गर्म कर लीजिए। इस ऑयल में जो है हमें पनीर के क्यूब्स को फ्राई करना है। तो चलिए एक एक करके सारे पनीर के क्यूब्स को आप फ्राई कर लीजिए। इसमें हीट को हाई रखिएगा। ओके, ये सारे पनीर को मैंने काफ़ी क्रिस्पी फ्राई किया है। आप अपने अकॉर्डिंग पनीर को फ्राई कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्प फ्राई अच्छा लगता है। ये देखिए, थोड़ा सा ब्लैकिश कलर आ गया है, ब्राउनिश कलर आ गया है उसमें। तो चारों तरफ आप अच्छे से फ्लिप करके इन पनीर को फ्राई कर लीजिए। ये देखिए, इसका आप देखिए कितना अच्छे से फ्राई हुआ है, कलर कितना अच्छा आया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक अलग प्लेट पर। अब इसी ऑयल में जो है हम ग्रेवी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हुए हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं। ये सिनेमन स्टिक ली है, ये कार्डिमम लिया हुआ है, क्लोव लिया हुआ है, एंड ब्लैक पेपर लिया है, साथ में बे लीव्स ली हुई है। इन सभी को आप डाल दीजिए ऑयल में और थोड़ा सा इसे पका लीजिए। ओके, मेरा फ्लेम अभी भी हाई है। देन ये इसके पकने के बाद हम इसमें डाल देंगे चॉप्ड अनियंस। अनियन को बिल्कुल ब्राउन होते तक मैंने इसे भूंजा है। गोल्डन ब्राउन कलर आते तक आपको इसमें भूंजना है। आप इसमें ग्रेटेड ऑनियन और ग्रेटेड जो ये टोमेटो प्यूरी होता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, पर मैंने प्यूरी ना डाल करके मैंने चॉप्ड डाले हुए हैं इसमें सारे। अब मैंने इसमें से सारी बे लीव्स निकाल दी है। ओके, ये देखिए, ये अच्छे से ब्राउन कलर आ चुका है। जब इसमें ब्राउन कलर आ जाए तब आप इसमें डाल दीजिए हमारे टोमेटोज। ये देखिए, सारे टोमेटोज डाल दिया। एक बार हल्का सा मिक्स कर लीजिए टोमेटोज को। देन अब इसके में सारी वेजेस को मैंने साइड कर दिया है, थोड़ा सा ऑयल निकाल दिया है। अब इसमें मैं अपने जो जितने भी ड्राई मसाले हैं उनको रोस्ट करूँगी। इसमें सबसे पहले मैंने रेड चिली डाला है, देन थोड़ा सा टर्मरिक डाला है, देन कोरिएंडर पाउडर डालेंगे इसमें। कोरिएंडर पाउडर की क्वांटिटी मैंने डबल रखी है। ओके, देन गरम मसाला डालेंगे। इसे हम अच्छे से भूंज लेंगे, साइड में रोस्ट कर लेंगे और इसमें सारी वेजेस जो है हमारी मिक्स कर देते हैं। इसमें बचा हुआ जो भी हमारा मैरिनेट था वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इसमें दही था, कसूरी मेथी था, इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। इसे अब अच्छे से पका लीजिए। इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी हम और डाल देंगे और इसे आप चलाते हुए अच्छे से पका लीजिए। इसके पकाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा अब नमक डाल दीजिए। नमक डालने के बाद इसमें आप 1 कटोरी जो है पानी डाल दीजिए और हाई फ्लेम में इसे कुक होने दीजिए। इसे अब लिड लगा दीजिए और इसे थोड़ी देर के लिए आप पकने दीजिए।
ये देखिए ये कितने अच्छे से पक गया है, इसका पानी भी कम हो गया है। अब इसे आप या तो ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसे स्पून से जो है मैश किया हुआ है। हमारा सारा जितना भी वेजीज थे वो पक गए थे, टमाटर वगैरह, तो इसे मैश कर लीजिए आप अच्छे से। ओके ये देखिए, देन अब इसमें मैंने डाला है अपने जो बचे हुए आनियंस थे जो हमने बड़े साइज़ में कट करके रखे थे, उसे आप डाल दीजिए। इसे थोड़ा सौते कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसमें अपने पनीर डालेंगे। तो ये हमने पनीर डाल दिया, इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ओके अब इसके बाद हम इसमें 1 or 2 spoons जो है इसमें हम वाटर डालेंगे। आप अपना जितना भी आप लिक्विड चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं इसकी प्यूरे बनाने के लिए। और इसे आप ढक्कन ढककर इसको सिम में आप पकने दीजिए, इसे कम आंच में आप इसे पकने दीजिए। ये देखिए आप इसमें कोरिएंडर लीफ डाल दीजिए और एक बार और थोड़ा सा आप इसे ढक करके पकने दीजिए ताकि जो कोरिएंडर लीफ है उसका फ्लेवर इसमें इन्फ्यूज़ हो जाए, इसमें चला जाए। ओके तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने इसमें फ्लेम को ऑफ कर दिया है। फ्लेम ऑफ करने के बाद लास्ट में मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी। इसमें मैंने शुद्ध देसी घी लिया हुआ है, इसे आप 1 चम्मच डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी खाने में और आखिरी में टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। आखिरी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।